आइए देखते हैं डैट का यूज। यूज ऑफ डैट। डैट का अर्थ वह होता है, डैट का प्रयोग दूर के एक व्यक्ति या वस्तुओं को इशारा करने या बताने के लिए किया जाता है जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है और उधर हमें उस चीज़ के बारे में जब बताना होता है इशारा करके, तो वहाँ पर हम डैट का प्रयोग करते हैं। अर्थात डैट का प्रयोग दूर के व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति वस्तु जानवर आदि की ओर इशारा किया जाता है वास्तव में वो दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम डैट का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, डैट के साथ इच का प्रयोग करते हैं। वह केला है, डैट इज बनाना। यहाँ पे देखिए वह केला है, इशारा किया जा रहा है। यहाँ केला दूर है तो दूर केला है, इसलिए यहाँ पर डैट का प्रयोग है। डैट का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए करते हैं या तो हम बताने के लिए करते हैं, संबोधित करने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। तो डैट इज बनाना, वह आम है। जाहिर सी बात है कि आम दूर पर है, इसलिए यहाँ पर डैट इज मैंगो लगेगा। वह घड़ी है, डैट इज ए वॉच। वह मोबाइल है, डैट इज ए मोबाइल। वह गाय है, डैट इज ए काउ। वह शेर है, डैट इज ए लायन। ठीक, आइए नेगेटिव देखते हैं। जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वह राम नहीं है तो डैट इज नॉट राम। वह आम नहीं है, डैट इज नॉट मैंगो। वह मोबाइल नहीं है, डैट इज नॉट मोबाइल। वह सेब नहीं है, डैट इज नॉट लायन। वह सेब नहीं है, डैट इज नॉट एन एप्पल। ओके, इसी तरह सिंगल इंटरगेटिव सेंटेंस देखिए। जब वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाए तो क्या शब्द की अंग्रेजी इज लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने गोला किया सर्कल, तो क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे सबसे पहले, इज। आफ्टर डैट वह की अंग्रेजी डैट। उसके बाद पेड़ है तो ए ट्री, इज डैट अ ट्री, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वह घड़ी है, इज डैट अ वॉच। क्या वह मोबाइल है, इज डैट अ मोबाइल। देखिए दूर की वस्तुओं के लिए इशारा किया जा रहा है डैट का प्रयोग। तो जहाँ पर यह हुआ रहेगा समझ जाइएगा, यह का प्रयोग नजदीक के लिए, डैट का प्रयोग दूर के लिए। क्या वह गेंद है, इज डैट ए बॉल। क्या वह बिल्ली नहीं है, इज डैट नॉट अ कैट। इसी तरह देखिए डबल इंटरगेटिव सेंटेंस ये आता है, इसका मतलब होता है कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं और उनको अंग्रेजी में बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे, कहाँ, कब आदि शब्द तो इनके अंग्रेजी पहले लिखते हैं क्योंकि बीच में आते हैं। देखिए वह कहाँ है, वेयर इज डैट। वह लड़का कौन है, हु इज डैट बॉय। वह लड़की कैसी है, हाउ इज डैट गर्ल। वह मोबाइल किसकी है, हुज मोबाइल इज दिस। तो यहाँ पे देखिए क्या शब्द, कौन शब्द, कैसी शब्द, किसकी शब्द, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये वाक्य के बीच में आए हैं, इसलिए हम इसका अनुवाद अंग्रेजी में बनाते वक्त इनके सबसे पहले लिखते हैं, इनका वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने लिखा वेयर इज डैट, हाउ इज डैट बॉय, हाउ इज डैट गर्ल, हुज मोबाइल इज दिस। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। डैट का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं, दूर की वस्तुओं, दूर के व्यक्तियों को इशारा करने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा डैट भी यूज समाप्त होता है।